मुझे लगता है आजकल आप मेडिसिन वक्त पे नहीं ले रहे हैं, वरना बीपी इतना हाई क्यों होता आपका? पहले भी मैं अपना ख्याल कहाँ रखता था, तुम ही मेरा ख्याल रखती थी। अब खुद ख्याल रखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बेटा। ये क्या बात हुई? ये तो आप मुझे शहीर के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि इरहा के चाचा इतने कमजोर हैं कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे? अरे नहीं बेटा, शहीद तो मेरा बेटा है, वो कुछ नहीं सोचेगा। इसमें तो कोई शक नहीं अंकल कि मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, लेकिन आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। बेटा कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और वो और तो कुछ नहीं है। चचा जान, कोई परेशानी, कोई मसला है, स्टोर का कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बात? ना, कोई परेशानी नहीं है। अरे अंकल, मेरा ख्याल है आपको एक कंप्लीट चेकअप की जरूरत है। इरा, इनके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अच्छा, नहीं बेटा, मैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गोली खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। ऐसा तो बहुत से लोगों को होता है, और एक बात गोली बता क्यों? दूँ, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ना करे चचा जान, मरे आपके दुश्मन। आज के बाद आप ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। ठीक, नाराज मत हो बेटा। ये बताओ, तुम लोग खाओगे क्या? तुम्हारी पसंद का खाना बनवाता हूँ। अंकल, डिनर हम बाहर करेंगे, आप लोगों को लेने आए थे, सोचा साथ मिलके खाना खा लें आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? ऐसे क्यों लग रहा है, रोती रही? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी, सो रही थी ना, तो शायद नींद में आके। कैसी हो रहा? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मेरा ख्याल है तुम इन्हें डिनर का बता दो, तैयार होने में सबको वक्त लगेगा। बेटा मेरी तरफ से तो माजरत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और दिन बना लेते प्रोग्राम। अरे अंकल, हम हनीमून पे वैसे ही बाहर जा रहे हैं, फिर वापस आकर कुछ दावतें भी हैं, सोचा आज कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे हम सब। चचा जान चले ना, बहुत मजा आएगा। मेरा बेटा, तुम्हारे चचा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं इन्हें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। डिनर तो फिर कभी बाद में हो जाएगा बेटा। अच्छा तो फिर सजल को हमारे साथ जाने दें, अब प्लीज इस पे इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा और मैं नाराज हो जाऊंगी। अंकल, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों की यही खुशी है तो ले जाओ, लेकिन इसको जल्दी घर वापस छोड़ दे। सजल, तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। अब हम भी अबून चलते तो ज्यादा अच्छा होता उनके बगैर। प्लीज, अब तुम मेरी बीवी का दिल मत तोड़ो इनकार करके, पहले ही आंटी और अंकल ने इनकार कर दिया है। जाओ, तैयार हो जाओ। Thank you.